राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन 3 के 19वें सम्मेलन में आज हमारे बीच में राज्यसभा के उपसभापति जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरवंश जी, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह जी तमांग जी, सीपीए रीजन जोन 3 के अध्यक्ष और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री पासंग सोना जी, सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष जो जोन 3 की मेजबानी कर रहे हैं श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा और राज्यसभा के हमारे माननीय सांसदगण, सिक्किम विधान मंडल में सरकार में मंत्रीगण और नॉर्थ ईस्ट विधान मंडल के माननीय सदस्यगण, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी सीपीए रीजन 3 के उन चेयरमैन पर्सन को जिन्होंने सीपीए रीजन की लगातार हर वर्ष विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विषयों पर ये सम्मेलन आयोजित किया, पूरे देश के अंदर सीपीए रीजन 3 की सक्रियता लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों और देश के मुद्दों पर चर्चा करकर उनका समाधान हो, इस पर उनकी सक्रियता के लिए वर्तमान चेयरमैन सोना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये प्रदेश वो प्रदेश है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देश का सबसे ऊंचे पहाड़, नदियां, झीले, झरने, एक ऐसा प्राकृतिक सुंदरता वाला प्रदेश जहां उसकी प्राकृतिक सुंदरता है वहीं यहां पर रहने वाले लोगों की कोमलता है, और एक ऐसा प्रदेश जो भारत के सपनों को पूरा करना चाहता है, चाहे जैविक खेती के रूप में, पर्यावरण के लिए और अन्य जिन पर लगातार राज्य के विधानमंडल चर्चा करते रहते हैं कि हम किस तरीके से विश्व के उन सब पैरामीटर में सबसे उत्कृष्ट हों,
इस दिशा में इस राज्य ने विशेष रूप से प्रगति की है। इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जैविक संरक्षणता, जैविक खेती और जिस विषय पर पूरा विश्व चिंतित है, पर्यावरण के लिए, उनके कार्यों में प्रतिबद्धता झलकती है। जोन 3 एक वह संगठन सीपीए का है जिन पर विषय पर चर्चा होगी, संवाद होगा, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश के लोकतंत्र को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। ये संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह हो, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाए और इनकी चर्चा संवाद से जो निष्कर्ष निकले, जो फैसले हो, उससे इस सारे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण की दिशा बने। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई, मंत्रालय बनाया और किस तरीके से पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान निश्चित समय निश्चित अवधि के अंदर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक तंत्र मजबूत हो और यहां के लोगों की आर्थिक आमदनी बढ़े, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन के आधार पर काम करने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, विशेष रूप से सिक्किम ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अपने नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। निश्चित रूप से हम सबका एक प्रयास रहता है, किन विधानमंडलों की चर्चा संवाद और बनने वाले कानूनों से हम लोगों के सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ साथ इस देश को विश्व की सबसे अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम करें, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की विशालता, विविधता है, विविध संस्कृति, ये हमारी ताकत है और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने चर्चा संवाद कानून बनाकर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया दौर शुरू किया है और ये अमृत महोत्सव हमारे लिए यहां के सामाजिक आर्थिक प्रतिबद्धता है और लोकतंत्र को और मजबूत और जवाबदेही बनाने के लिए प्रतिबद्धता भी है। मुझे बहुत खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट की विधान मंडलों के अंदर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी होती है और सबसे कम गतिरोध होता है।
कई विधानमंडलों में तो कभी गतिरोध ही नहीं हुआ। ये एक अच्छी परंपरा है, अच्छी परपाटियां हैं। हम सदन की गरिमा को बनाए रखें, अच्छी परंपराओं को लागू करें और इसके लिए समय समय पर हमारे राज्य विधानमंडल के अध्यक्षों के सम्मेलन में इसमें बहुत लंबी डिबेट, चर्चा, संवाद होता है। सीपीए भी इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है और मुद्दों के अंदर विधानमंडलों और उनके जनप्रतिनिधियों की क्या भागीदारी हो ताकि उन मुद्दों का समाधान हो, जहां आवश्यक हो कानून बनाने का कानून बनाने की प्रक्रिया सरकार करे इसके लिए सुझाव देते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान इन विधानमंडलों के चर्चा संवाद से हो। इसी तरीके की सीपीए रीजन ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे जो रखे हैं, मादक पदार्थों का सेवन, विधानमंडलों के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी और किस तरीके से हम साइबर बुलिंग के बारे में जन चेतना के माध्यम से या कानून बनाकर इसके लिए भी हम देश की जनता का और विधायकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चर्चा संवाद दो दिन करेंगे। निश्चित रूप से मादक पदार्थ का सेवन हम सबके लिए चिंता का विषय, देश के लिए चिंता का विषय और इसीलिए देश की लोकतांत्रिक संस्था स्वसंसद संसद के अंदर दो दिन तक 20-21 दिसंबर को संसद में चर्चा हुई। सभी दलों के मान्य सदस्यों ने, 53 से ज्यादा मान्य सदस्यों ने विचार रखे, मंथन हुआ, सकारात्मक चर्चा हुई, संवाद हुआ, मान्य सदस्यों ने अच्छे सुझाव रखे और सरकार ने भी इस प्रतिबद्धता के साथ कि सभी राज्य के सरकारें इस विषय पर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। देश के गृहमंत्री जी ने सारे विषय पर गंभीर चर्चा का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य की सरकारें मिलकर और केंद्र की सरकार मिलकर काम कर रही है, हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को नशा मुक्त बनाए और इस नशा मुक्त बनाने के अंदर सभी राज्य सरकार की भागीदारी हो और जनता की भागीदारी हो और विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो। आज इसी विषय पर हमारा मंथन होगा कि विधानमंडल के माननीय सदस्य किस तरीके से इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके, जहां राज्यों में कानून बनाने की आवश्यकता है कानून बनाया जाए, जहां राज्य में चुनी हुई लोकतांत्रिक जितनी संस्था है उनके जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन किया जाए, हमारे नौजवान विद्यार्थियों के साथ लोकतांत्रिक संस्थाएं चर्चा संवाद करें, क्योंकि जो हमारी भावी पीढ़ी है वह भारी पीढ़ी हमारी ताकत है, शक्ति है। आज दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने इनोवेशन, नई रिसर्च, नई शोध, नई चिंतन से आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है और इस हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान है और इस नौजवान को
संस्कारित करना, उसकी सही दिशा देना, यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेश के विधानमंडल के अध्यक्ष भी आए, सदस्य भी आए, हम एक व्यापक कार्य योजना बनाने के विचार करें और इस लक्ष्य के साथ जैसे सिक्किम ने 2016 के अंदर जैविक प्रदेश बनाने का काम किया, उसी तरीके से अपने अपने प्रदेश के अंदर ये विधानमंडल चर्चा संवाद के साथ संकल्प के साथ कि मेरा राज्य विधान नशे से मुक्त है और जब सब राज्य सामूहिकता से अपने अपने राज्य को नशा मुक्त राज करेंगे तो देश नशा मुक्त होगा, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण विषय विधानमंडलों के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी, विधानमंडलों और जनता के बीच में एक व्यापक संवाद चर्चा, जनता की पहुंच विधानमंडल तक, ये आजादी के 75 साल बाद भी इसलिए जरूरी है कि आज भी जब संसदों के अंदर या विधानमंडलों में जो कानून बनते हैं और कानून बनते समय जो चर्चा संवाद होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कानून बनाते समय, चर्चा संवाद करते समय जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ हो। जब कानून बने तो उसमें कानून बनाते समय जनता का सक्रिय योगदान हो, वह अपने अपने जनप्रतिनिधियों को कानून बनाने में आवश्यक सुझाव दें और जनप्रतिनिधि विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल में अपनी चर्चा संवाद में उनके बताए गए विषयों पर चर्चा करें। इसी तरीके से चर्चा संवाद के अंदर भी जितनी भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की होगी, वहां की जनप्रतिनिधि की होगी, उतनी ही हम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं उनकी परेशानियों कठिनाइयों को सदन में रख पाएंगे और उनका समाधान का अगर कोई रास्ता है तो हमारे विधानमंडल है जो जनता की समस्याओं कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि चाहे प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, आईटी के और तंत्र का उपयोग करें, स्कूल कॉलेजों के अंदर जनसंवाद हो, युवा संसद हो और हर मतदाता नहीं भावी बनने वाले मतदाता भी हमारी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं से उनकी पहुंच सीधी हो और उनकी भागीदारी बढ़े। मेरी अपेक्षा है कि जितनी सक्रिय भागीदारी जनता की बढ़ेगी उतना लोकतंत्र भी सशक्त होगा, जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह होंगी, शासन में भी पारदर्शिता आएगी, कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित होगी और जो नीतियां कार्यक्रम योजनाएं बनती है उन योजनाओं का लाभ कितना जनता को मिले उसका इनपुट भी अगर जनता देगी तो हम योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में भी सदनों में चर्चा कर पाएंगे। और कानून जो हमने बनाया उस कानून का कितना लाभ जनता को मिला यह भी अगर जितनी जनता की सक्रिय भागीदारी हो गए उतनी हमारे राज्य और केंद्र विधानमंडलों में चर्चा संवाद का स्तर भी बढ़ेगा और जनता की सक्रिय भागीदारी से उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं कठिनाइयों का समाधान भी इन संस्थाओं के माध्यम से हम निकालेंगे।
तीसरा विषय जो हम सबके लिए चिंता का विषय है, जो हमारे उपसभापति जी ने बहुत ठीक से रखा कि आईटी का जितना उपयोग है उतना कहीं न कहीं उसकी गलत दिशा का भी नुकसान प्रदेश देश को होता है। इसलिए आईटी का उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दिनचर्या के लिए आवश्यक है, शासन प्रशासन में पारदर्शिता के लिए उपयोगी है, लेकिन उसके साथ जो उसके दूसरे पहलू है उन पहलुओं पर भी जनता को सचेत करने की जिम्मेदारी इन विधानमंडलों की है, जनप्रतिनिधियों की है। इसलिए साइबर बुलिंग जैसे विषय पर भी हमें व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए, और ये सब विषय, हर विषयों पर जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के बीच में जाएगी उतना ही बेहतर शासन होगा और उतनी शासन प्रणाली बेहतर बनेगी, पारदर्शिता बनेगी। इसलिए साइबर बुलिंग जैसे विषय पर भी आने वाली पीढ़ियों को हमें सचेत करना होगा, मार्गदर्शन करना होगा, ताकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही दिशा के अंदर उपयोग करें और उसका लाभ हमको मिले, उसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए भी हम विशेष प्रयास करना होगा। मुझे आशा है कि हम सबका एक लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस 140 करोड़ जनता से अपेक्षा की है कि समृद्ध, समर्थ, विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, सबके सहयोग से काम करना होगा। देश के हर राज्य जो कभी पिछड़े थे, अभाव में थे, उनको भी मुख्य धारा में लाकर उनको समकक्ष खड़ा करना होगा, उन जिले, आकांक्षी जिलों को भी विकसित जिलों के समकक्ष खड़ा करना होगा, देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, तो हम समृद्ध और विकसित राष्ट्र भारत बना पाएंगे। इसके लिए विधानमंडल और माननीय जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से भूमिका है। मुझे आशा है कि ये G20 और G20 के बाद P20 का सम्मेलन, जहां हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बदलाव, हमारी जीवन पद्धतियों के अंदर लोकतंत्र है, और हमें आशा है दुनिया भी ये मानती है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र है, और ये भारत की प्राचीनतम पद्धति है। जैसा अभी प्रेम सिंह जी ने कहा कि किस तरीके से हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी पुरानी है, उसी तरीके से हमारी प्राचीनतम लोकतंत्र पद्धतियों के हम उदाहरण पेश करें तो सभा समितियां इसी तरीके से चर्चा संवाद करती थी, नियम प्रक्रियाएं बनाती थी और सारी जनता उनको मानती थी। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और G20 और P20 हमारे एक मील का पत्थर साबित होगा, ताकि दुनिया को हम हमारी सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र पद्धति और उसके माध्यम से हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा दे सके। मुझे आशा है कि 2 दिवसीय ये पूर्वोत्तर राज्यों का सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा और यहां की चर्चा संवाद के बाद जो निर्णय, जो फैसले होंगे, उन फैसलों से
जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनसे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन तो आएगा, लेकिन जो सामाजिक बुराई समाज में बढ़ रही है उसको रोक भी पाएंगे और उसको समाप्त भी कर पाएंगे। और लोकतंत्र में भागीदारी बने, इस विषय पर भी हमारे कई सुझाव आएंगे। इन तीनों विषयों पर जो संवाद चर्चा होगा उसका एक विस्तृत पेपर बनेगा, निर्णय निष्कर्ष के फैसले होंगे और उस फैसलों पर सभी राज्य विधानमंडल, देश के और राज्य विधानमंडल भी और सीपीए के जोन भी अन्य मुद्दों को लेकर भी, सारे मुद्दों को लेकर हम सीपीए जोन के सभी मुद्दे और सीपी रीजन भारत एक साथ चर्चा करके बैठेंगे और सारे मुद्दों पर किस तरीके से हमें एक व्यापक कार्य योजना दिशा बनाकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम इन मुद्दों का समाधान करेंगे और देश की सरकार और राज्य की सरकारों को एक व्यापक रूप से सुझाव देंगे ताकि राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी उन तरह की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं और कानून बनाकर इस देश में सामाजिक बदलाव ला सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती जी को धन्यवाद देता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सीपीए जोन के प्रतिनिधियों का जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।